हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड IBPS PO की वैकेंसीज आप लोगों को पता ही है, आ गई है। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, मतलब मोर देन इनफ टाइम है मेरे हिसाब से। अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अभी तक कर रहे थे, या आप RRB की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कहाँ से किया जाए कि प्रीलिम्स में फिलहाल सिलेक्शन हो जाए। एंड अगर प्रीलिम्स हो गया तो मेन्स थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड एक बार आपका टेस्ट हो चुका होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार प्रीलिम्स निकाल लिया, इतना कम टाइम होता है, मेंस तो मैं निकाल ही लूंगा। श्योर कभी नहीं होता यार कि निकल ही जाएगा, क्योंकि सपोज एक सीट पे 20 लड़के जा रहे हैं तो इंटरव्यू में एक सीट पे 5 या 4 ही जाएंगे, तो 16 लड़के या 15 लड़कों को तो बाहर होना ही है, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो अपनी प्रिपरेशन रखनी होगी वो औरों से बहुत बेहतर रखनी होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही है जो हमेशा होता है, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, बहुत दिन टाइम है। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम 13-14 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हैं। ठीक है, आज हम देखें तो आज की डेट है 24th of August। अगस्त का महीना हम छोड़ भी दें तो सितंबर के पूरे 30 दिन हो गए, 12 दिन यहाँ के हो गए और 7 दिन आपके कहाँ के हो गए, अगस्त के हो गए। तो मोटा मोटा 50 दिन आपके पास है। ठीक है, तो 50 डेज में अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, एक सीरियस रहना है। सीरियस किस चीज़ के लिए? जो बातें हम बताते हैं, जो मटेरियल हम देते हैं, प्लीज़ सीरियसली फॉलो करिए, सिलेक्शन आपका होगा, विश्वास रखिए हम पे। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है, RRB PO मेंस का जो भी हमने स्टडी प्लान दिया है, आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप RRB PO के मेंस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं देन IBPS PO का प्रीलिम्स आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो RRB PO मेंस का जो आपका डेली स्टडी प्लान है, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आप ये फॉलो करेंगे मेरे साथ, मैं तो यार आपके लिए कितना इजी है, मैं डेली आपको PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अभी आज भी आपकी PDF थोड़ी देर में आ जाएगी, हार्डली 2-3 घंटों में आपके पास। तो आपके लिए कितना ज़्यादा इजी हो जा रहा है प्रिपरेशन करना, ना आपको कोई कंटेंट ढूंढना पड़ रहा है, ना आपको कोई बुक्स परचेज करनी पड़ रही है, ना आपको कहीं इधर उधर भागना पड़ रहा है, ना नेट पर सर्च करना पड़ रहा है, ना पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो आपको ही करना है, वो ये है कि सीरियस होकर पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखिए, चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर डेली अपलोड हो रहा है, और न्यूज़पेपर आप मेरी वेबसाइट से जाकर पढ़ें ना पढ़ें, मैं कहूँगा जरूर कि एक दो ऐड पे क्लिक कर दिया करिए, आप करें ना करें, न्यूज़पेपर डाउनलोड करें ना करें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप परचेज करके पढ़िए भाई, आप डाउनलोड करके नहीं पढ़ रहे हैं तो। आपके वहाँ न्यूज़पेपर आता होगा, आप इंग्लिश लगवा लीजिए, वहाँ से पढ़िए। लेकिन अगर ये चीज़ आप मिस कर रहे हैं देन मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यार न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। फर्स्ट चीज़, आपकी करंट अफेयर्स बढ़िया हो जाती है, दूसरी आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बहुत इन्हेंस हो जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है। आप बहुत जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं पढ़ के, जल्दी जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आता है वो अच्छे से हो जाता है, स्पॉट द एरर आपका हो जाता है, क्लोज टेस्ट हो जाता है आपका। स्पॉट द एरर मतलब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, 50 दिन लगातार पढ़ लिए आपने, फिर जब आप एग्जाम देंगे तो सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यार इसके साथ ये चीज़ नहीं लगती है, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो आपको करना ही करना है। साथ में कुछ चीज़ें और हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा, बता देता हूँ। डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली मैं जो भी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप देखिए आपकी वेबसाइट जो है www.goldencareer.co.in, ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, यहाँ पर आपको जाना होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रोवाइड किया है, कंप्यूटर चलिए आप छोड़ दीजिए भाई, अगर आप PO मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप RRB PO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर डेली देखना बहुत जरूरी है। डेली स्टडी मटेरियल RRB PO मेंस का 23 अगस्त का है, 50 पजल्स दे दी हैं। ठीक है, RRB PO मेंस के मॉक टेस्ट दिए हैं। ठीक है, इन सबको आप पढ़िए, इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इनमें आपको क्या होगा कि जो मेंस लेवल में क्वेश्चन होंगे ना RRB PO के, वो थोड़े से टफ होंगे, और IBPS PO प्री में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े टफ टफ आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं मेंस में, ऑल्दो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए। जो स्टडी मटेरियल यहाँ पे मैंने RRB PO के लिए प्रोवाइड कराया है वही IBPS PO प्रीलिम्स के लिए सफिशियंट है। कुछ एक्स्ट्रा देना होगा तो मैं आपको दूंगा ही, टाइम से दूंगा, आपको टाइम रहते दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। एंड जब भी वेबसाइट पर आइए, जो एड डिस्प्ले हो रहे हैं इनमें आपको ऐड अच्छे लगेंगे, एक दो ऐड पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये हो जाती है आपके लिए कि
आप पढ़ाई कहाँ से करें भाई, चीजें आपको क्लियर नहीं है, आपको नई थोड़ी सी ट्रिक सीखनी है जो कि सीखना बेकार हो जाता है मेंस एग्जाम में। क्यों? मेंस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सारी ट्रिक्स बेकार हो जाती हैं, अल्टीमेटली आपका कॉन्सेप्ट काम आता है। देखिए अब मेंस एग्जाम में टाइम बहुत होता है। देखिए फ्रॉम लोग पूछ रहे हैं सर मेंस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, सर मैंने 50 अटेम्प्ट किए हुए हैं, मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ कि ना करूँ? भाई जब तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेंस की प्रिपरेशन करूं ना करूं, आप अभी तक यही सोच रहे हो, तो आप एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? हैबिट सुधारो फ्रॉम डे वन। आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ही आपको मेंस को देखना होगा, आज से ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि प्रिलिम्स और मेंस के बीच में गैप इतना नहीं होता है कि आप उस टाइम पे सब कुछ कवर कर पाओ। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पढ़ाई के रिलेटेड बता देता हूँ। आपका एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का, बिल्कुल भी मैं ऐड पे क्लिक करने का प्रमोशन अब नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग भड़क जाते हैं ऐड पे क्लिक करने के प्रमोशन को लेकर, मुझे समझ नहीं आता है क्यों, वही एक जरिया है इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ। ये लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी का, यहाँ पर देखिए सारी चीजें आईबीपीएस पीओ को लेकर वीडियोज आ रही हैं, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। कोडेड इनइक्वालिटी आईबीपीएस पीओ के लिए और आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस के दो तीन क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी वीडियो है, इंग्लिश में भी है, आप जिस पे चाहे उस पे देख पाए। टाइम एंड डिस्टेंस क्वार्टी क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं, इनको आप देख लीजिए। एंड डेली 10 वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे, बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे जो अनअकैडमी के चैनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, 100% टॉपिक। ठीक है, तो आपको देखिए आप करना क्या है, एक डेली स्टडी प्लान फॉलो करना है, और डेली स्टडी प्लान आरआरबी पीओ मेंस वाला फॉलो करना है। आपका पीओ मेंस दे रहे नहीं दे रहे मैटर नहीं करता है। नंबर टू, हालांकि इसमें लिखा हुआ है डेली स्टडी प्लान न्यूज़पेपर पढ़ने को, बट फिर भी डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करिएगा, ठीक है, एंड वहां पर जो स्टडी मटेरियल दिया होगा वो आपको डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे हम आपसे नहीं लेंगे। डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं डेली स्टडी प्लान के अलावा कोई और दे रहे हैं तो वो भी डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। अनअकैडमी पर वीडियो डेली अपलोडेड हो रही है, उनको आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो कोई भी फर्जी वीडियो नहीं है, किसी भी वीडियो में कुछ गलत नहीं बताया गया है या कुछ टाइम पास नहीं किया गया है, सिर्फ सारी वीडियोस में पढ़ाई की गई है। और कोई भी वीडियो बहुत लंबी नहीं है, 8 से 9 मिनट की सारी वीडियोज हैं। अगर आप चार वीडियो भी देखनी पड़ गई तो कितने हुए, 32 से 36 मिनट हुए, ठीक है, मैक्सिमम 40 मिनट आप मान लो, इससे ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं कंज्यूम होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, इसके अलावा आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार सिर्फ 2000 वैकेंसीज हैं, पिछले 2012-13 में 20,000 वैकेंसी आई थी, तब मेरा ना हुआ था, तुम्हारा ऐसे कैसे हो जाएगा, अब तो वैकेंसीज बहुत कम है, छोड़ दो, रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यार, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है, आपको 500 सीट्स नहीं चाहिए, आप उस एक सीट के लिए फाइट कर रहे हो, ना कि 2000 वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं अगर आप प्रिपरेशन ढंग से करोगे, बढ़िया से करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन तो आपका जो सिलेक्शन है सॉरी वो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, आप मुझे रीजन समझाइएगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। आप जैसे कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होता है, आप जैसे एवरेज पढ़ने वाले कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होता है, कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाला बैंक का एग्जाम देने नहीं आ रहा है। बैंक के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स वही होते हैं जिनका पहले से ही क्लियर होता है कि नहीं बैंक में ही जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, अगल बगल देख के डिमोटिवेट मत होइएगा कि मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ उसका नहीं हुआ, 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ उसका नहीं हुआ, 6 साल से ट्राई कर रहा हूँ उसका नहीं हुआ। मैंने वन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 2 बार एग्जाम दिया, 2012 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, 16 में दिया तो भी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, उस टाइम मैंने छोड़ा नहीं किया, इस टाइम मैंने किया। ठीक है, 2016 में दिया था तो मेरा आरआरबी पीओ भी हुआ था एंड आईबीपीएस में इलाहाबाद बैंक मिला था क्लर्क में, सॉरी। ठीक है, तो वो क्लर्क मैंने छोड़ा इलाहाबाद बैंक एंड आरआरबी पीओ को ज्वाइन किया। तो मेरे जैसे आपको आसपास 50 कैंडिडेट्स दिखेंगे जो पढ़ने में बहुत एवरेज हैं, कोई 30 मार्क खान नहीं है और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी एग्जाम होता है। बस आप ये मान के चलो बैंक का एग्जाम आपसे कुछ नहीं मांगता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम नहीं होता, सिर्फ एक चीज मांगता है, वो क्या है, डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब सिर्फ डेली पढ़ाई की डेडिकेशन। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, आप मानिए। आप जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए अगर आपका सिलेक्शन 2 साल 3 साल से नहीं हुआ है। क्यों?
आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डेफिनेटली देर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए, अपने सॉल्व करने के तरीके को चेंज करिए, क्योंकि शायद आपकी स्पीड स्लो है, शायद आपके कॉन्सेप्ट गलत हैं। ठीक है, जो नए कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं अनअकैडमी पे वीडियो पे, गोल्डन करियर की वीडियो पे, या किसी अन्य चैनल की वीडियो पे अगर आपको पसंद आ रहा है देख लीजिए, कोई बात नहीं, सिर्फ आप स्टडी मटेरियल ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको पसंद नहीं आ रहा है वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने तरीके चेंज करने होंगे अगर सिलेक्शन आपका पिछले 2-3 सालों में नहीं हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली आप फॉलो करिए हमें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत बताया नहीं जा रहा है, एंड कोई भी पैसे लिए नहीं जा रहे हैं, बेसिकली आपको कुछ खर्चा हम नहीं करवाएंगे। मैं तो कहता हूँ बुक एक भी परचेज मत करिए जब फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो स्टे मोटिवेटेड एंड डेली पढ़ाई करिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे डेली दीजिए। 50 दिनों की मेहनत ना पूरी लाइफ बहुत इजी कर देगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो भी 3-4 साल नौकरी करते हुए कोई और जॉब निकाल लेंगे, अगर आपको स्विच करना है जॉब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको आप करिए, वेबसाइट पर आप जाइए, चीज़ें डाउनलोड करिए, न्यूज़ पेपर अपलोड हो गया है आज का भी, वो पढ़िए, एंड वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। वेबसाइट पर जाकर स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिएगा एंड एक दो एड्स पे क्लिक करिएगा, आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत सपोर्ट होगा। थैंक यू।